प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जब भी उन्हें मौका मिलता है खुद साफ सफाई में जुट जाते हैं। लेकिन साफ सफाई रखना जिनकी जिम्मेदारी है, वो सिर के नीचे तकिया रखकर सो रहे हैं। आजमगढ़ में जगह जगह गंदगी और कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर पालिका और उसके अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता कचरे में बैठी है। बार बार शिकायत के बाद भी साफ सफाई नहीं कराई जाती। अक्सर कई कई दिनों तक कूड़ा गलियों में पड़ा रहता है। नगर पालिका की लापरवाही की वजह से आजमगढ़ शहर के मोहल्ले कचरा घर बन गए हैं। कभी मोहल्ला खत्री टोला में सफाई नहीं होती तो कभी गुरु टोला में गंदगी पसरी रहती है। लोगों की माने तो गुरु टोला में तो महीने में एक बार साफ सफाई कराई जाती है। यहाँ पर जो भी व्यवस्था है सब आप लोग देख सकते हैं, सामने है। और गंदगी के मामले में तो ये मोहल्ला सबसे पिछड़ा, ये हमारा गुरु टोला है। सफाई हमारे ख्याल से महीना दो महीना, छह महीने पे यहाँ सफाई होती है। कोई सफाई का यहाँ पर नहीं है। और नाला वाला आपका तो देख ही रहे हैं, कोई भी सफाई कर्मचारी को कोई नहीं आता, कोई नहीं। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री के स्वच्छता के लिए दिए गए निर्देशों का भी मखौल नगर पालिका उड़ा रही है। लोग अगर नगर पालिका के आला अधिकारियों के पास साफ सफाई की गुहार लगाने जाते हैं तो भी वो कुछ नहीं करते। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि ये वही नगर पालिका है जिसके भ्रष्टाचार का खुलासा जनमन टीवी ने हाल ही में किया था। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके नगर पालिका में अगर कुछ हो रहा है तो रुपयों की लूट खसोट। यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, इतना तो शहर में पसरी गंदगी से साफ है। राकेश वर्मा, आजमगढ़, जनमन टीवी।